हाँ छोड़ो मेरा, क्या हो रहा है यहाँ पर? मेरा हाथ छोड़ो, मैंने कहा हाथ छोड़ो मेरा। हाँ, अपने हाथ पीछे रखो। स्टैनली, छोड़ो, और छोड़ो, और छोड़ो, हाथ हटाओ। शांत हो जाओ, छोड़ दो। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत। हट जाओ मेरे पास। शांत। दूर हटो मेरे पास से, तुम मुझे वहाँ नहीं ले जा सकते। संभालोगी? हाँ, मैं संभाल लूंगी। दूर हटो मेरे पास से। शांत, शांत। सर प्लीज शांत हो जाइए। प्लीज मुझे छोड़ दो। बस आप शांत रहिए, हम सब ठीक कर देंगे। आपको जो भी मदद चाहिए हम दिलवाएंगे। ठीक है, आपका नाम क्या है? फ्रेडी। ठीक है फ्रेडी, ऑफिसर मैथ्यू तुम्हें अंदर कॉफी देंगे। ठीक है, बस शांत रहना, आराम से रहना। मैं वादा करती हूँ सब ठीक हो जाएगा। तुम पक्का ठीक हो? माइंड मत करना, बस मैथ्यू की हमेशा की बकचोदी है। मैं ठीक हूँ। एक्चुअली उसके पसंद की एक लड़की उससे रैंक में ऊपर है, समझ सकती हूँ कि वो बूढ़ा है। मैं खुद से गुस्सा हूँ कि मैंने उसको हथकड़ी नहीं पहनाई। हम सबसे गलती होती है, तुमने ठीक से लगा दिया, बस वही जरूरी है। क्या कोई यूनिट एक सुसाइड हैंडल करने के लिए फ्री है? ये वाला मैं लेती हूँ, यहाँ से थोड़ी देर बाहर निकलना चाहती हूँ। विस्की जुलू 20 कमांडो, ये कॉल मैं ले रही हूँ, बताइए। थैंक्स सर्ज, सुसाइड की एक रिपोर्ट आई है लिफ्टन फार्म से। कॉलर है मिसेस पीटर्स, मृत की बीवी। अगर आप तुरंत वहाँ पहुँच सकेगी तो अच्छा रहेगा। मुझे नहीं लगता। क्या मुझे मदद के लिए ARV यूनिट्स मिल सकती है? चेक करती हूँ सर्जेंट। नहीं, सारे के सारे अभी बिजी हैं। जब अवेलेबल होगी तब शॉटगन के साथ स्टेशन पर भिजवा दूंगी, अभी इतना ही कर सकती हूँ। उन्हें घंटों लग जाएंगे शहर से यहाँ आने में। मुझे ARV के बदले ETA भी चलेगा। नेगेटिव, इस वक्त हमसे। विस्की जुलो 20 कमांडोस, कम इन प्लीज। विस्की जुलो 20 कमांडोस, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? कोई बात नहीं, यहाँ पर ऐसा बहुत होता है। विस्की जुलो 86, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? यह चैनल अभी उसे कर सकते हैं, सिर्फ कॉमन्स का प्रॉब्लम हो सकता है। मुझे यकीन है वो जल्दी आ जाएंगे। वेल, मैं रास्ते पर ट्राई करती रहूंगी, तुम मुझे मॉनिटर करते रहना। ओके, जल्दी मिलते हैं। कैश लीडर। अचानक से भारी बारिश देखी, उस समय उनके दोनों बेटे जैकब और सैमुअल भी उनके साथ थे। प्लीज मुझे ये करने दीजिए। शुक्रिया, शायद तुम्हारे हाथ मुझसे ज्यादा स्टडी हो। क्या आपका एक्सेंट अमेरिकन है? जी नहीं, कैनेडियन। मैं इंग्लैंड में टोरंटो से ट्रांसफर हुई हूँ। ओ अच्छा बेटा, मैं जानती हूँ ये मुश्किल होगा, क्या मैं आपसे कुछ जानकारी ले सकती हूँ? बिल्कुल डियर, अपना काम जारी रखो। तो मिस्टर पीटर घर कितने बजे वापस आए? ओ प्लीज, उन्हें अच्छा लगता आप उन्हें जॉन बुलाते, और शायद 5:45 बजे थे और वो ठीक लग रहे थे। पास ही में पब में अच्छा वक्त गुजार के आए थे, शाम की चाय का भी इंतजार कर रहे थे। क्या कोई ऐसा कारण हो सकता है जिससे जॉन अपनी जान ले ले? कोई निजी समस्या या पैसे की प्रॉब्लम? नहीं, जॉन बहुत फिट थे, वो हर जगह चल के जाते थे, वो उस खेत का अभी भी ध्यान रखते थे।
जॉन ऐसा नहीं कर सकते। सो सॉरी। मेरी चिंता मत करो डियर। क्या तुम बिस्किट खाना चाहोगी? क्या जॉन को खेती की तरह बगीचे का भी शौक था? नहीं, ऐसा नहीं है। जब गार्डन में जाते थे तब बस वो वही करते थे जो जरूरी है। क्या आपकी आपके बहन से बात हुई? नहीं नहीं, वो फोन अभी तक काम नहीं कर रहा। ओह, ठीक है, मैं उनके व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करने की कोशिश करती हूँ। अरे ये तो बहुत अच्छा होगा बेटा। नंबर है 213-959। ओके। विस्की जुलो 202 फ्रंट ऑफिस। मैथ्यू, क्या तुम्हें आवाज़ आ रही है? जी मैथ्यूज बोल रहा हूँ, बोलिए। मिसेस पीटर की बहन से बात करने की कोशिश कर रही हूँ, क्या तुम भी ट्राई करोगे? माफी चाहता हूँ, पूरे एरिया में लाइंस डाउन है, स्टेशन पर भी। वो मेरी गलती थी मिसेस पीटर्स, प्लीज। मेरी गलती थी, मेरी वजह से ये सब हुआ। गन को नीचे रखिए। सारी गलती मेरी थी, मैंने ये सब किया, मेरी गलती। हम इस वक्त टॉन्टॉन से लाइन 4 पर हैं। अमेंडा, अमेंडा, आप जहाँ पर हैं उसके बारे में क्या बता सकती हैं? अमेंडा, अमेंडा, आप फोनिक एफएम पर लाइव हैं? आप लाइव हैं? अमेंडा, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अमेंडा से संपर्क टूट गया है। विस्की जुलो 202, विस्की जुलो 86। हाँ बोलो। हे पैट्रिक, यहाँ एक और सुसाइड हुआ है। मुझे सीन सील करना पड़ा जब तक कोई पंचनामा करने वाला नहीं मिलता। ये गलत होगा, पर मैं पूरी रात यहाँ बैठी तो नहीं रह सकती। अब मैं स्टेशन जा रही हूँ। जोई, और एक घटना हुई है CZS पर। पक्का पता नहीं क्या हुआ है, पर मैं अभी वहीं जा रहा हूँ। हाँ, मैं वापस कॉल करती हूँ। हेलो, कहाँ गया? सर, क्या आप ठीक हैं? मैं एक पुलिस ऑफिसर हूं। सर प्लीज मुझे अंदर आने दीजिए। वो
वो अंदर आने की कोशिश कर रहा है। क्या आप घर में अकेले हैं? वो लौट आया है, वो मुझे चाहता है। सर, आपके घर के बाहर रास्ते पर एक औरत पड़ी है, क्या आपको पता है उनके साथ क्या हुआ है? इसका ये हाल उसी ने किया। किसने किया? प्लीज मुझे अंदर आने दीजिए। वो घर में है, वो घर में आ गया है। मुझे डर लग रहा है, मुझे पता है तुम वहां हो। विस्की जुलो 202, विस्की जुलो 86, अर्जेंट। क्या कोई मुझे सुन सकता है? मुझे एक यूनिट की जरूरत है। पैट्रिक, क्या तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? पैट्रिक, मैंने फिर से उसे देखा, मेरा मतलब है मैंने ठीक से देखा। कुछ ऐसा है जो लोगों पर अटैक करता है। यहाँ पर एक आदमी बेहोश और एक औरत है जो मरी हुई है। क्या देखा तुमने? क्या था? मुझे नहीं पता मैं कैसे समझाऊं। ठीक है, शांत रहो। उस आदमी का हाल क्या है? मैं नहीं जानती, मुझे लगता है कि जिंदा है। ठीक है, मैं जल्द से जल्द तुम्हें कॉल करता हूँ।
विस्की जुलो 202 विस्की जुलो 86 मैथ्यू, क्या तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? विस्की जुलो 202 विस्की जुलो 86 पैट्रिक, क्या तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? पैट्रिक, विस्की जुलो 202 विस्की जुलो 86 पैट्रिक, क्या तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? पैट्रिक, यस पैट्रिक, मैं मदद के लिए शहर जा रही हूँ। पैट्रिक, 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 सोई, यहाँ कुछ ऐसा है जो लोगों को मार रहा है। हम भाग निकले पर वो हमें ढूंढ रहा है। वो किसी भी मिनट हमें पकड़ सकता है। मैं कुछ लोगों के साथ यहाँ पीछे छुपा हुआ हूँ, पर वो चीज वह बार में है, वो सबको अटैक कर रहा है। पता नहीं वो कहाँ से आए, मैं उन्हें रोक नहीं पाया। मैंने कोशिश की पर अगर उनके ज्यादा पास गया, एक मिनट, कोई आ रहा है, हमें चुप रहना होगा। वो दरवाजे को खरोच रहा है। ओके, चला गया। हे भगवान, वह चीज बहुत तेजी से चलती है। मैं नहीं जानता ये क्या चीज है, लेकिन इनका कॉम से कुछ लेना देना है। हे भगवान। पैट्रिक, क्या हो रहा है? वो मकान मालिक अपनी आंख में कुछ डाल रहा है। शिट, बाहर आ गई उसकी आंख। जोई, उसकी आंख बाहर आ गई। जोई, तुम्हें वहां से निकलना होगा और शहर जाके मदद लानी होगी। हम बिना बैकअप कुछ नहीं कर सकते, हमें मदद की सख्त जरूरत है। जोई, कुछ करो, तुम्हें कुछ कर सकती हो। तुम्हें निकलना होगा वहां से, तुम्हें निकलना ही होगा। पैट्रिक,
इसका हाथ पकड़ दो। ये क्या हुआ है इसके साथ? ये मकान मालिक है, पूरा पागल हो गया। हमें इसे ऐसे बांधना पड़ा अपनी जान बचाने के लिए। हमें इसे कंट्रोल करना होगा, नहीं तो खुद को मार देगा। 1, 2, 3। क्या वो ठीक है? पता नहीं, मैं अभी इसकी तलाशी लेता हूं। डरो मत, ये वेट है। पैट्रिक, जितने शांत रह सकते हो रहो। तुम ठीक हो? शायद पैट्रिक, ये सब क्या हो रहा है? क्या वो अभी भी बाहर है? तुमने उनका जहाज देखा? हाँ, हमने देखा है। एलियंस कहीं के हमारे दिमाग के साथ खेल रहे हैं और हमें मार रहे हैं, और अब तुम उन्हें यहाँ लेकर आए हो। रॉबी, क्या तुम शांत रह सकते हो? वो मेरा उस रोड ब्लॉक से पीछा करते आए होंगे। मुझे नहीं लगता उन्होंने मुझे अंदर आते हुए देखा। रोड ब्लॉक? शहर के मेन रास्ते और पहाड़ के पीछे वाले रास्ते के बीच। ग्रेट। मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, हो सकता है वो लोग यहाँ से चले गए हों। कितने शॉट्स बचे हैं तुम्हारे पास? मेरे पास 3 बचे हैं। न्यूज़ के बारे में क्या है? किसी ने न्यूज़ देखी क्या? ना, न्यूज़ पे तो कुछ नहीं हो रहा, जैसे कोई आम दिन हो। क्या तुम्हें लगता है कि वो सिर्फ इसी एरिया में अटैक कर रहे हैं? क्यों, उन्हें क्या चाहिए? हम ऐसे एकांत जगह पर रहते हैं, हम पर अटैक करके उन्हें क्या मिलेगा? वो हम पे एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, और ये पहली बार नहीं है। 3 साल पहले मेरे क्लब के बीचों बीच उन्होंने मुझे घेर लिया था। सुबह उठ के देखा तो वो नजर आया, और फिर देखा तो उन्होंने मेरे बैलों को काट दिया, अपाहिज बना दिया था, और तुम लोगों ने तब भी कुछ नहीं किया। वो हमें कंट्रोल करना चाहता है। ये सही कह रहा है, वो हमारी जमीन चाहते हैं। वो कोई और नहीं है, वो सब एलियंस हैं। क्या पागलपन है। ओ डेल, मुझे नहीं लगता कि वो इतनी दूर सिर्फ तुम्हें ले जाने के लिए आए होंगे। क्या फर्क पड़ता है क्या है या क्या था? हम ये सब से बाहर कैसे निकलेंगे? ठीक है, सब लोग शांत हो जाइए, वो सही कह रही है। हमें फोकस करना है, खुद की सुरक्षा के लिए खुद कुछ करना होगा। अंदर वो कैसा है अब? वो अभी भी बेहोश है, मैं उसका ट्रीटमेंट करके आता हूँ ताकि उसे इन्फेक्शन ज्यादा ना हो। ठीक है, क्या कोई और तरीका है कमांडो को कनेक्ट करके मदद मांगने का? नहीं, सारे फोन बंद हैं और उनसे रेडियो पे कोई संदेश नहीं आया है। उन्होंने फ्रीक्वेंसी ब्लॉक कर दी है। पैट्रिक, ये शहर कौन सी लाइन यूज करता है? 149। उसका कोई फायदा नहीं, वो शहर तक नहीं पहुंचेगा। उसकी जरूरत नहीं, अब तक उस नेटवर्क पर कोई तो ARV होगी। विस्की जुलो 2020 यूनिट्स, कम इन प्लीज। ARV? आर्म रिस्पॉन्स व्हीकल। यही सही है, अब हुई ना बात। विस्की जुलो 2020 यूनिट्स, कम इन प्लीज। नहीं रुको, ARVs का अलग चैनल है, वो है 467 शायद। विस्की जुलो 2020 यूनिट्स, कम इन प्लीज। हेलो विस्की जुलो 20, मैं डेल्टा टैंगो 46, हम स्टेशन की तरफ जा रहे हैं। डेल्टा टैंगो, हमें जल्द से जल्द मदद की जरूरत है, क्या आप कमांडो से बात कर सकते हैं? नहीं, हमारा भी कांटेक्ट 10 मिनट पहले टूट चुका है। वहां पे हालात कैसे हैं? यहाँ हम और कुछ लोग फंसे हैं,
क्या आपके स्टेशन में कोई ETA है? हम लगभग 12 मील। फिर से वही बिजली चमकना। ओ नहीं, डेल्टा टैंगो कम इन प्लीज। सारी फ्रीक्वेंसीज ब्लॉक है। डेल्टा टैंगो कम इन प्लीज। हमारी वाट लगने वाली है। देखो, हम जानते हैं कि वो स्टेशन पे होंगे, हमें बस कैसे भी वहां पहुंचना है। स्टेशन पे और शेल्स और शॉटगन है। उसके पीछे क्या है? वहां से अटैक हुआ था जोई, मैंने वहां सबको मार दिया था। हम वहां से जैसे तैसे करके बच के निकले थे। नहीं मत करो, वो खतरनाक हो सकता है, अंदर मत आने दो। वहां कोई जिंदा इंसान भी हो सकता है। ठीक है, संभल के जाना। हम कुछ नहीं कर सकते। वहां पर निकलो। mumbling to himself रॉबी नहीं। उसने सारा को पकड़ लिया। चलो चलो जोई, हमें निकलना होगा यहां से। जोई चलो, चलो जोई। मेरी लैंड रोवर बाहर खड़ी है। चाबी दो, जल्दी दो चाबी। जल्दी चलो। क्या कुछ देख रहा है? नहीं कुछ नहीं, वो हमारा पीछा नहीं कर रहे। ओ नहीं पैट्रिक, उनका साइज देखा तुमने?
क्या तुम्हें पहले कभी देखा है उसे? नहीं, कभी नहीं। बहुत खून बह रहा है इसका। ये बैग्स हैं, इसमें बैंडेजेज और वोडका है। वो हमारा पीछा क्यों नहीं कर रहे? शायद उन्हें जरूरत नहीं है। तो प्लान क्या है? स्टेशन पहुंच के एआरवी का इंतजार करते हैं। अगर वो गार्ड्स का पीछा कर रहे हो तो? शायद वो सारे गार्ड्स को ना देख रहे हो। हमें कोशिश करनी होगी। क्लेयर और आइजक का क्या हुआ? आशा करता हूँ वो ठीक है। वो कॉर्नवॉल गए हैं नानी से मिलने। क्या जेसन शहर में है? हाँ। अब तुम कैसे हो? बहुत खतरनाक वार था उसका। मुझे मेरे हाथ महसूस ही नहीं हो रहे हैं। ये उस मकान के मालिक ने किया? वो उठा और सीधा मेरी उंगलियों को चबाने लगा। क्या वो अभी भी वही है? नहीं, वो निकल गया, मैं उसे रोक नहीं पाया। स्टॉप इट। ये सब लोगों को क्या हो रहा है? ये एलियंस इनके साथ क्या कर रहे हैं? जैसा इसने कहा, ये माइंड कंट्रोल है। अच्छा, तो हमारे माइंड को कंट्रोल करना ताकि हम खुद को चोट पहुंचाएं। हम खुदकुशी कर लें। पर क्यों? गाड़ी रोको। ताकि वो यहाँ कब्जा कर सके। गाड़ी रोको। उन्हें हम पर कब्जा करने माइंड कंट्रोल की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूँ गाड़ी रोको। मुझे लगता है ये कोई वायरस है और वो हमें उससे इन्फेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। शायद उससे आदमी गुस्सेल और भ्रमित होकर खुद को मारने की कोशिश करता है। पर वो हमें वायरस से क्यों मार रहे हैं? हो सकता है वो हम पे वायरस का प्रयोग कर रहे हों। प्रयोगशाली चूहे। तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम इन्फेक्टेड हो? रॉबी और सारा पे उस चीज ने अटैक नहीं किया था और तुम नहीं जानते थे कि ये कैसे ट्रांसमिट होता है। सही कहा। तुम लोगों को बचाने के लिए मेरा गाड़ी से निकलना ठीक है, क्योंकि हो सकता है मुझमें वायरस हो। ये सही कह रहा है, इसे जाने देते हैं। गाड़ी चलाते रहो। हमें सिर्फ आगे बढ़ते रहना चाहिए। आज मैंने 4 खुदकुशियां होते हुए देखी हैं और एक बार मुझ पे वार हो चुका है। अगर ये वायरस है तो ये हम सब पर असर करेगा, और अगर हम में से किसी में सिम्टम्स नजर आए तो मैं चाहूंगी कि हमारे साथ ही रहे, ना कि खुद की जान लेकर मरे। हमें बस स्टेशन पहुंचना है। तुम्हें क्या लगता है, फोर्स आई होगी? मुझे नहीं लगता, उनकी गाड़ी नजर नहीं आ रही। तुम यहाँ रुको, मैं जाके अंदर की हालत देखती हूँ। मैं तुम्हें फ्रंट डेस्क पे मिलूंगी। ठीक है, 5 मिनट में मिलता हूँ।
मैथ्यूज नहीं। मैथ्यूज नहीं। ज़ोई, क्या वो ये मर गया है? हम इन चीजों से लड़ेंगे कैसे? वो सारे लोग और अब मैथ्यूज। मैंने उसे रोकने की कोशिश की पर उस तक पहुंच नहीं पाई। हे, मैं जानता हूं। ठीक है, तुम हर किसी को नहीं बचा सकती, बस हम बचे हुए लोगों को यहां से बाहर निकालने का इंतजाम करो। चलो ज़ोई, हमें तुम्हारी जरूरत है। ठीक है, ठीक है। ठीक है, प्रॉपर्टी रखी है, वहां जाते हैं, और हमारे हथियार। हमें बस तब तक उनको रोके रखना है जब तक एआरवीज नहीं आ जाती। यस सर्जेंट। हाथ कैसा है अब? उतना ठीक नहीं है जितना प्रिस्क्रिप्शन लेने पर होता है। क्या मैं देख सकती हूँ? ना देखो तो ही ठीक है। ये पट्टी मुझे बदलनी होगी। एक कैनेडियन लेडी ब्रिटिश फोर्स में क्या कर रही है? मैं यहाँ आई ताकि मेरा पति अपने पेरेंट्स के साथ रह सके। क्या वो यहाँ रहते हैं? नहीं, शहर में, थैंक गॉड। ये पोस्टिंग सबसे पास में थी। तो शायद तुम्हें यहाँ अच्छा लगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सच कहूँ तो मैं निराश थी कि शहर में कोई रोमांचक पोस्ट नहीं मिल पाई। ये सब आज कितने बजे शुरू हुआ? मिस्टर पीटर्स शायद पहले थे, शाम 4 से 6 बजे। हे भगवान, पब से घर आने पर उन्होंने खुद को शूट कर लिया। वो पब कितने बजे पहुंचे? मुझे पता नहीं, पर ये जानकर क्या करेंगे? हो सकता है कि उनकी साइज को तो देखो। वो वहां खड़ा है और देख रहा है। क्या तुम्हें लगता है वो जानते हैं हम अंदर हैं? शायद। वो अगर यहां आ गए तो क्या होगा? शायद आ चुके हैं। सुनो, हमें इस बिल्डिंग के सब तरफ देखना होगा कि ये सुरक्षित है कि नहीं। हम यहां बहुत देर अटके रह सकते हैं। हमारे पास इतना ही है। ओके। देखो, ये बिल्डिंग इन दोनों के साथ चेक करने में टाइम चला जाएगा। ओके, तो इन दोनों को किसी सेफ जगह रख के हम दोनों जाते हैं। वो सेल्स,
वो मेन कॉरिडोर से अलग है। जाके देखते हैं वहां कुछ मेडिकल सप्लाईज भी मिल जाए। क्या तुम इसे उठा पाओगे? हाँ। डेल, दूसरा हाथ पकड़ो। क्या ये पट्टी ठीक से नहीं बांध सकते? अरे यार, बाकी सब लोग कहाँ हैं? हम अकेले हैं, हम जल्दी वापस आएंगे। इसका अब ज्यादा फायदा नहीं है, शहर का भी वही हाल है। तो ये इतना बड़ा क्यों है? यह एक पुराना एमओडी ट्रेनिंग पोस्ट हुआ करता था, अब इसके साथ क्या करें ये सवाल पड़ गया। इसे इंटरव्यू रूम में लेकर जाओ, मैं किट लेकर आती हूँ। ये सूज गया है, इसे फ्लैट रखना। कोशिश करता हूँ। कैसे हो तुम? उम्मीद तो है बच जाऊंगा। अंगूठे के निचले हिस्से से बहुत खून जा चुका है। हे डेल, तुम ठीक तो हो? हाँ, मैं ठीक हूँ, मेरी चिंता मत करो। अभी ठीक है, ठीक है ना? सुनो, तुम थोड़ी देर आराम करो, मैं और पैट्रिक गश्त लगाते हैं। हाँ ठीक है। तुम तैयार हो? यप। डेल, हम चले जाएं तो तुम दरवाजा लॉक कर लेना। हाँ ठीक है। ओके, पहले हम यहाँ के सारे रूम चेक कर लेते हैं, फिर हम ऊपर जाएंगे। क्या ये कॉरिडोर सिक्योर है जब तुम यहाँ आए? सब ठीक है, वहाँ पर बहुत सारे कमरे हैं। ठीक है, चलो अब वो पश्चिम वाला कॉरिडोर देख कर आते हैं, वो हमें सीढ़ियों तक भी ले जाएगा। चाहते हैं हमें इन्फेक्ट करके उन्हें क्या मिलेगा? डेल सही हो सकता है, शायद वो हमारा सब कुछ हासिल करना चाहते हैं। और वो ये हासिल करना चाहते हैं हम पे एक्सपेरिमेंट करके? शायद वो हमारी कमजोरी जानना चाहते हैं। शायद तुम ठीक कह रहे हो, मुझे बस ये थोड़ा अजीब लग रहा है। यहाँ पर दूर हो जा मुझसे कुतिया, दूर हो जा, जाओ दूर हो जा मुझसे, मैंने कहा ना। फ्रेडी प्लीज शांत हो जाओ, हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। तुम्हें लगता है कि तुम बहुत स्पेशल हो? फ्रेडी चाकू नीचे फेंको, अभी के अभी नीचे फेंको। मैं तुम्हें मार दूंगा। थोड़ा नीचे रख दो फ्रेडी, हम मदद कर सकते हैं। देखो हम सब मुश्किल में हैं। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। देखो फ्रेडी प्लीज बात समझने की कोशिश करो, हम सब मुश्किल में हैं यहाँ पर। Oh, my God.
Shit. इस तरफ चलो। वो चीज आ रही है। जानती हूँ। क्या तुम चलने की हालत में हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। हम है, दरवाजा खोलो। डेल, ये दरवाजा अभी इसी वक्त खोलो। डेल, डेल, पैट्रिक, दरवाजा खोलो। डेल, इतना टाइम क्यों लग गया? डेल कहाँ है? मैंने उसे अंदर बंद कर रखा है। मुझे लगा एलियंस दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं श्योर नहीं था। किस चीज को लेकर तुम श्योर नहीं थे? मेरा सर बहुत दर्द कर रहा था। क्या हुआ? एक कैदी ने छुरी से वार किया इस पर। हरामखोर। वो कितने हैं? बहुत सारे। यारवीज से कुछ संपर्क हुआ? नहीं, लगता है हम बस अकेले हैं। हाँ, मैं ठीक हूँ, मैं चल के जा सकता हूँ। तुम ठीक हो? बस थोड़ा सर दर्द है, मैं तुम्हें ले जा सकता हूँ। चलो अच्छा है, मैं जाके डेल को देख कर आती हूँ। मैं जानता हूं तुम क्या सोच रही होगी। तुम सोच रही होगी मैं तुम सबको लेके डूबूंगा, क्योंकि मेरे पैर पहले की तरह काम नहीं करते। इसका मतलब मैं बेकार हूं। मुझे यहां अकेला छोड़कर मत जाओ। हम तुम्हें छोड़कर नहीं जाने वाले। हम सब यहां से साथ निकलेंगे और मदद ढूंढेंगे। मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है, खुद के लिए मदद ढूंढ लो ना। माफ करना, मैं बहुत डरा हुआ हूं, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। बाकी मैं ठीक हूं, ठीक हूं। ज़ोई, हमें स्टेशन से बाहर का रास्ता ढूंढना ही होगा। वो चीजें जितनी पास आती हैं उतना ही लोग पागल होते हैं। समझती हूँ, माइकल भी कुछ ठीक नहीं लग रहा है। और अगर वो एआरवी यूनिट नहीं आई तो? जानती हूँ, हाँ जानती हूँ।
सुनो, हम कुछ सोच लेंगे, ठीक है? मेरा मतलब है, जब तक ये दरवाजे बंद हैं, हम यहाँ सुरक्षित हैं, है ना? हाँ, शायद। ज़ोई, बाहर आकर देखो क्या हो रहा है। हे भगवान, डेल, डेल क्या हो रहा है? डेल, पैट्रिक, ये दरवाजा खोलो। डेल, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? डेल, जरा एक मिनट रुको, हट जाओ। डेल, उठो, कम ऑन, डेल उठो, कोशिश करो, फिर से कोशिश करो। वन टू थ्री, वन टू थ्री, नहीं, एक बार फिर से कोशिश करो। ज़ोई, वो मर गया है। नहीं नहीं, ज़ोई कहाँ है? नहीं, दस, माइकल, दस, तुम ठीक हो ना? हाँ, ठीक हूँ मैं। ज़ोई कहाँ है? वो नीचे गई हुई है। क्या कर रही हो इतनी देर से बाहर? मैंने उनमें से किसी को नहीं देखा। अगर हम उस पार पहुंच गए तो हम उस एग्जिट से जाकर लेड रोवर तक पहुंच जाएंगे। कर तो सकते हैं। तुम्हारा हाथ कैसा है? तुम्हें लगता है कि तुम उस पार जा पाओगे? हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर माइकल का क्या? उसकी हालत और खराब हो रही है। हाँ, जानती हूँ, वो ठीक नहीं है, पर हमारे पास ज्यादा ऑप्शन नहीं है। ठीक है, चलो करते हैं। हे माइकल, तुम्हें कैसा लग रहा है? बहुत थका हुआ हूँ। सुनो, हमें लगता है कि यहाँ से बाहर जाने के लिए एक रास्ता है। क्या तुम्हें लगता है तुम जा पाओगे बाहर? लेकिन अभी बाहर क्यों जाना है हमें? ओके दोस्त, चलो, चलने का समय आ गया। क्या वो यहाँ वापस आएंगे? माइकल, हमें शांत रहना है, क्या तुम रह पाओगे? पीछे आओ। चलो,
अब क्या मेरी बारी है? क्या हो रहा है? क्या ये सब कैसे है? शांत रहने की कोशिश करो, सांस लो। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं शांत रहने की कोशिश। ये बहुत ही ज्यादा आवाज कर रहा है। मुझे लगता है कि मैं भी मरने वाला हूँ। माइकल, हमें शांत रहना होगा। मैं मरने वाला हूँ शायद। टाइम कितना हुआ? माइकल, चुपचाप चलते रहो, तुम्हें शांत रहना होगा। तुम नहीं जानती तुम क्या कर रही हो। माइकल, हमें यहां से निकलना होगा। मुझसे दूर हटो, दूर हटो। आ जाओ। आखिरी दो बची हैं। वहीं बैठे रहो। क्लियर। क्या बिल्डिंग में कोई और है? तुम्हारे पीछे। गन्स उठा लो। चलो लैंड रोवर, चलो उठो। ये लो, मैंने एक एक्स्ट्रा मैगजीन उठा ली, तुम्हारी खत्म हो गई होगी। थैंक्स। तो अब क्या, कहाँ जाएंगे हम? और लोग जरूर आएंगे। वो चीजें हमें कब तक बाकी दुनिया से अलग रखेंगी? तब तक हमें किसी सुरक्षित जगह को खोजना होगा। हमें मेन रोड से दूर रहना चाहिए। जोई, मैं समझ गया। क्या समझ गए हो तुम माइकल? वो खेत। खेत का क्या? पैट्रिक से पहले तुम खेत पर पहुंची। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगली बारी तुम्हारी है।
मुझे याद तक नहीं था मैंने वहां हैंडगन छोड़ी थी। अभी हार मत मानो। मुझे पता है हम लड़ते रहेंगे। हाँ जोई। क्या हुआ? कोई आ रहा है। देखते हैं कौन है ये। तुम लोग ठीक हो? मैंने गोलियों की आवाज सुनी। हम ठीक हैं। क्या वो चीजें यहां पर हैं? नहीं, लगता तो नहीं। मैंने कुछ घंटों से उन्हें नहीं देखा, पर अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो उस पार नहीं जाता। वो रास्ता ब्लॉक्ड है। शिट। देखो, हम यहां ऐसे खुले में नहीं रुक सकते। क्या तुम्हारा घर पास में है? हाँ, इस रास्ते से बस थोड़ी दूरी पर। चलो आ जाओ, इससे पहले कि हम दिख जाएं। मुझ जैसों को बचाना तुम लोगों का काम है। बाकी की फौज कब आ रही है? हमारे कमांडोज बंद है, बाहर किसी से बात नहीं हो पाई। लगा ही था। कुछ दिखा? नहीं, मुझे लगता है हम सेफ हैं। कोई और है यहाँ पर? नहीं, जब यह सब शुरू हुआ तो उन सालों ने मेरी कैथी को नोच लिया। I'm sorry। यह सब खत्म होने से पहले मैं उनमें से कुछ को मार दूंगा। ड्रिंक। वो खराब हो गया है, चलेगा नहीं। क्या तुमने उनमें से किसी को मारा? हमने कुछ मशीनों को शूट तो किया, पर क्या फर्क पड़ता है? उन लंबे एलियंस का क्या? तुमने नोटिस किया, वह खड़े रहते हैं। साले टरपोक। वो ड्रोन्स, उन ड्रोन से वो सारे बुरे काम करवाते हैं। यहां पर क्या हुआ है? मैं और मेरी पत्नी किसी चीज को लेकर झगड़ रहे थे। अचानक से वो पागल जैसा बर्ताव करने लगी। वो थरथराने लगी जैसे उसे फिट आ रही हो, पर उसके पैर पूरी तरह जमीन पर नहीं थे। तब मैंने वो देखा। जब तक मैं अपनी शॉटगन तक पहुंचा, तब तक वो जमीन पर गिर चुकी थी और वो चीज वहां पर खड़ी हुई थी। बैम! और मैंने उस पर शूट किया। तब मैंने देखा वो एक लंबा वाला खिड़की से देख रहा था। मैं उसे नहीं मार पाया, पर मैं बाहर गया और मैंने उसे खलियान के पास घेर लिया। वो अच्छे से जानता था कि मेरे हाथ में क्या है। वो उस खलियान से भाग गया जैसे डरी हुई बच्ची।
मैं कसम खा कर कहता हूं वो अभी भी उसी घर में होगा। क्या तुम कह रहे हो कि तुमने एक एलियन को अपने खलिहान में पकड़ रखा है? तुम चिंता मत करो, वो कहीं नहीं जा सकता। तुम देखना चाहोगी? तुम्हें बहुत मजा आने वाला है। तुम्हें ये बहुत पसंद आने वाला है। सोई, मुझे ये कुछ ठीक नहीं लग मुझे रहा भी, है। मुझे भी बस देख लेते हैं। तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। इट्स फाइन। अगर इस पर कोई नाम है तो इसे मैंने पकड़ा है, ठीक है? ठीक है। उम्मीद करता हूं तुम ज्यादा इमोशनल नहीं हो। भगवान, तो अब तुम क्या सोचती हो? ये अभी तक जिंदा है, मैंने इसे दो बार काटा है, उसके बाद भी मुझे यकीन नहीं होता। ये लो। ये तो पागलपन है। ठीक है फिर, मैं इसे देखता हूं। स्टीव, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं क्या कर रहा हूँ? मैं बहादुरी की जंग लड़ने जा रहा हूँ, अपनी हिम्मत दिखा रहा हूँ। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? नहीं, ये बात सही नहीं है। तुमने बहुत गलत आदमी के साथ पंगा ले लिया है। अब मजा आया ना तुझे? पूरा हाथ गंदा कर दिया मेरा। इसने मेरी बीबी को मारा था, अभी मजा आ रहा होगा इसे। इसके साथ यही होना था। जा रहे हो? हाँ।
पैट्रिक, पैट्रिक जाओ इस तरफ। मुझे लगता है वो लोग आ रहे हैं। रुको मत, भागती रहो। जोई, वहां देखो। चलो चलो, कम ऑन। के पास कोई और हथियार है? वो हमें देखते ही क्यों नहीं मार रहे हैं? मैं नहीं जानता। वो बहुत पास है। शिट, चलो जल्दी, चलो चलो चलो। नीचे बैठो। ओके, भगवान इन लोगों का हाल देखो। आह, मेरा सर दर्द मेरी जान ले रहा है। हे, हे, तुम ठीक हो? थोड़ा सहलो, चलती रहो, तुम ठीक हो। जोई, हमारा चलते रहना बहुत जरूरी है। अब हम क्या करें? अब तो हम भाग भी नहीं सकते। अब हम क्या करें? अब हम कहीं नहीं जा सकते। देखो, हार नहीं मानना है,
हमें चलते रहना है। नहीं रुको मैम, क्या आप ठीक हो? क्या आपको ठीक लग रहा है? मैं शायद बहुत देर सो गई। आप सीट पर बैठ जाइए। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ था? मुझे कुछ याद नहीं, मुझे नहीं पता। सर क्या आपको ठीक लग रहा है? ठीक है, सब ठीक है। यहाँ क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो तुम लोग? सब कुछ ठीक है सर, प्लीज शांत रहिए, आराम से, डरो मत। इट्स ओके, डोंट वरी, सब ठीक है, टेक इट इजी। हे भगवान, सब लोग ठीक हैं, सब लोग उठ रहे हैं, ये मैंने क्या किया? जोई अपना संतुलन बनाए रखो, तुमने कुछ भी नहीं किया। जरा सोचो माइकल, जब हम स्टेशन पे थे उसे सब समझ आ गया था। नहीं, माइकल पागल हो गया था और खुद को मारने की कोशिश कर रहा था। ओ नहीं 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 नहीं, वो पागल हो रहा था पर वो पूरी तरह से पागल नहीं था। वो खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था, मैंने उसे वो करने नहीं दिया। शायद वो पूरी रात यहाँ के लोगों की मदद करना चाहते थे और हम लोग उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे। जोई क्या कर रही हो तुम, प्लीज मेरे साथ रहो, हम दोनों बच सकते हैं। क्या मैंने उन सब लोगों की हत्या की? जोई कम ऑन, मुझे तुम्हारी जरूरत है। रुको रुको, देखो उसकी तरफ। अगर ये सोल्जर नहीं थे तो ये लोग इलाज कर रहे थे। जोई कम ऑन, संभल जाओ जोई। हाँ वो सही था, उसकी शुरुआत खेत से हुई, उस खेत पे जरूर कुछ हुआ और वो वहीं से फैला। बस रुक जाओ, क्या कर रही हो तुम? डरो मत पैट्रिक, अब मैं समझ गई हूँ कि क्या करना है। जोई नहीं, नहीं जोई, जोई नहीं, वापस आ जाओ। जोई जोई नहीं, हे भगवान हट जाओ। जोई नहीं, जोई जोई, हरामखोर।